तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। लास्ट टाइम भी मेरा मन था बंडियन ओनली 100 बात को एनवायरमेंट मिक्सर। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 150 बात का थाई मसाज और सैलॉन्स तो आपको भर भर के मिलेंगे। मेरा तो मन था तो मैंने हेयर कट करवा लिया था यहाँ पे ना। मतलब मेरे को इस बार बहुत मन था कि मैं हेयर कट करवाऊँ। लास्ट टाइम भी मेरा मन था बट हमेशा ऐसा होता था कि मैं जब भी आती थी ना मैं कभी हेयर कट नहीं करवाती थी। बट इस बार आई थिंक मैंने वो वाला ब्लॉग भी डाला हुआ है, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना वो वाला ब्लॉग। मैंने यहाँ पे हेयर कट करवाया था एंड वुड यू बिलीव मेरे को वो हेयर कट कितने का पड़ा था, ओनली एंड ओनली 100 बात। मतलब बहुत रीजनेबल है और 100 बात मतलब इंडिया का होता है 250 INR, तो मेरे को बहुत ज्यादा चीप पड़ा। और यहाँ पे बहुत सारे सैलून्स हैं, यहाँ पे लोगों को देख के ऐसा मन हो जाता है कि चलो यार यहाँ पे हेयर कट करते, तो तब मैंने करवाया था, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना, हर जगह पे रेट्स अलग अलग होता है। मेक श्योर कि आप लोग रेट पहले पूछो, डोंट फील शाई रेट पूछने में, क्योंकि अगर आप पूछ के नहीं बैठोगे ना तो दे कैन चार्ज एनीथिंग, मतलब कुछ भी चार्ज करेंगे, 500, 1000, कुछ भी जो मन में आए। तो पहले हमेशा क्लियर करना और हेयर कट आपको कैसा चाहिए उसको बताना कि मेरे को इस टाइप का हेयर कट चाहिए, उसका रेट क्या है, उसके बाद ही हेयर कट करवाना। यहाँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हो सके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, डू यूज गूगल ट्रांसलेटर। उसमें आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है वो टाइप करो, वो ट्रांसलेट हो जाएगा और इनको ट्रांसलेट करके दिखाओ तो भी बेस्ट है, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा काम था वो खत्म करते हो और फिर मिलती हूँ। सैलून के रेट्स देखो, यहाँ पे शैम्पू अगर आपको करना है तो 100 बात, फॉर्म स्ट्रेटनिंग और कलर करना है तो 500 to 1500 बात, मैनीक्योर पेडिक्योर करना है तो 300 बात, फूड स्क्रब करना है तो 200 बात। तो मतलब ऐसे रेट है। और मेंस के लिए मैं बताती हूँ 100 कटिंग और 100 शेव ऐसे सेल कर दो। आज मैंने पूरा दिन तो वैसे कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज पूरा दिन आराम किया। अभी बज रहे रात के 2 और बहुत भूख लगी थी। शाम को मैंने चाय पी थी उठने के बाद, क्योंकि मैं उठी शाम को थी, शाम को 6 बजे उठी थी। फिर अभी 2 बजे आई थिंक मैं 1 o'clock को बाहर निकली और फिर मैंने हेयर कट किया, मैं हेयर कट वाली क्लिप लेना भूल गई। तो एनी वेज फॉरगेट दैट। अभी मैं आई हूँ खाना खाने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट। सो गाइस अभी हो रहा है खाना खाने का टाइम, रात का डिनर का टाइम है और आज मेरा फास्ट है तो मैं एक टाइम खाना खा सकती हूँ, तो मैं शाम के टाइम खाना खा रही हूँ। खाने में देखते हैं क्या आया है। मैं आई हूँ रंगला पंजाब रेस्टोरेंट में। ये वाला जो रेस्टोरेंट है इसका मेरे को मेनू कार्ड बहुत ही सही लगा, मतलब बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। तो खाने में है राइस, कर्ड, दाल, सैलड, मिक्स वेज और ये रोटी और ये जो भी कुछ है ना, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो ये सब कुछ आया है अनियन गार्लिक के बिना। मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा, मतलब जहाँ पर भी मैं थाली मंगवाती हूँ ना वहाँ पे कर्ड वर्ड तो कुछ नहीं मिलता है, बस रोटी सब्जी दाल राइस इतना ही कुछ मिलता है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। ये उसका मेन्यू कार्ड है, नॉनवेज मिक्स है, बट यहाँ पे वेज का किचन अलग है और नॉनवेज का किचन अलग है, जो मैंने सेल्फ खुद जाके देखा है।